चलिए आगे बढ़ लेते हैं और अब हम आपको बता दें कि बैंकों के जो बढ़ते एनपीए हैं उसके लिए सिर्फ और सिर्फ आरबीआई जिम्मेदार है और कोई नहीं। ये बात वित्त मंत्रालय ने संसदीय समिति के सामने कही, यानी कि बैंकों के बढ़ते एनपीए से सरकार ने अपना पल्ला झाड़ लिया और इसके लिए आरबीआई को जिम्मेदार ठहराया। जी बिजनेस को सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर मिली है, सरकार ने कहा कि किसे कितना लोन दिया जाए ये फैसला बैंकों का मैनेजमेंट कमेटी जो है वो करती है, इसमें सरकार का कोई व्यक्ति नहीं होता। लोन की जानकारी सरकार को देने के लिए भी बैंक बाध्य नहीं होते। आलोक प्रदर्शी मेरे साथ मेरे सहयोगी ज्यादा अपडेट के लिए जुड़ गए हैं। आलोक, ये आपकी एक्सक्लूसिव खबर है जिसमें एक बात तो साफ है कि एनपीए को लेकर वित्त मंत्रालय ने अपने ऊपर से पल्ला झाड़ लिया है और पूरा का पूरा जो एक तरह से कह सकते हैं जिम्मेदारी जो है वो आरबीआई के पाले में डाल दी है। देखिए, जब से एनपीए का इशू चल रहा है तब से लगातार सरकार ये कह रही है कि आरबीआई की तरफ से जो कमी है, और लगातार आरबीआई भी ये कहता रहा है कि उनके पास पावर्स नहीं है। लेकिन ये बात संसदीय कमेटी की जब बैठक हुई उसमें बिल्कुल साफ हो गई है कि सरकार का क्या स्टैंड है, क्योंकि सरकार ने यहाँ पर साफ तौर पर कह दिया कि जो भी कॉरपोरेट लोन के जो डिसीजंस होते हैं या कॉरपोरेट को लोन देने का जो फैसला होता है उसमें सिर्फ और सिर्फ जो मैनेजमेंट कमेटी होती है बैंकों की वही उसकी जिम्मेदार होती है, क्योंकि वो टेक्निकल कमेटी होती है, उसमें तमाम जो लोन लेने के डिसीजंस होते हैं उस पर जांच परख की जाती है। तो इसलिए उसमें सरकार का कोई डिसीजन नहीं होता, सरकार की कोई दखलअंदाजी नहीं होती है, और इसी वजह से जो ये लोन जो इतना बढ़ता गया, एनपीए जो इतना बढ़ता गया, उसके बारे में सरकार को जानकारी समय से नहीं मिल पाई। और बैंक और आरबीआई ये दोनों मिलकर इसकी जिम्मेदारी होती, क्योंकि ये भी साथ साथ कहा गया कि 5 करोड़ से जो भी ज़्यादा का लोन होता है उसके बारे में सीधे बैंक आरबीआई को रिपोर्ट करते हैं। तो इस मामले में अगर देखें तो आरबीआई को हर एक कर्ज की जिम्मेदारी, कर्ज की जानकारी होती है। अगर वो कल को एनपीए होता है तो उसकी निगरानी का करने का काम जो आरबीआई के पास होता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट के जो सेक्शन 45 है उसका हवाला देते हुए कहा गया है कि इस पूरे मामले में सरकार को बिल्कुल इसके बारे में जानकारी नहीं दी जाती, क्योंकि प्राइवेसी क्लॉज होती है 45 सेक्शन में जिसका हवाला दिया जाता है और कहा जाता है कि कोई भी कॉरपोरेट को या किसी भी डील की वजह से कोई लोन दिया जाता है तो वो गोपनीय रखा जाता है और वो सरकार को भी शेयर नहीं किया जाता। तो ये एक अपने आप में बहुत बड़ी बात है। तो इस प्राइवेसी क्लॉज की वजह से सरकार को भी बड़े लोन्स जो कि एनपीए होने वाले होते हैं या फिर एनपीए हो जाते हैं उनकी कोई जानकारी नहीं होती। तो कुल मिलाकर जो संसदीय कमेटी में जो सरकार की तरफ से रखी गई है बात और जो कहा गया है, जो हमें सूत्रों के मुताबिक जानकारी मिली है, उसमें साफ तौर पर सरकार ने यह कह दिया है कि आरबीआई और बैंक यही जिम्मेदार हैं, और जो एनपीए जितना बढ़ा है क्योंकि सरकार का कोई दखलअंदाजी नहीं होती, सरकार का कोई उसमें मीटिंग में कोई नुमाइंदा नहीं जाता, भले ही बोर्ड में होते हैं बैंकों के, लेकिन इस मैनेजमेंट कमेटी जो कि सबसे ज़्यादा जिम्मेदार है किसको लोन दिया जाए और किसको ना दिया जाए, इसमें सरकार का कोई से नहीं होता है।